भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए हुआ भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। जी हां दोस्तों, कैसी है वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिखर धवन की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज को 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर वेस्टइंडीज को उसी की सरजमी पर पटकनी दी है। अब बारी है T20 सीरीज की, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच हमें T20 सीरीज में जंग होती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि T20 सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में रहने वाली है। ऐसे में रोहित शर्मा की अगुवाई में हमें भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ T20 सीरीज में भिड़ती हुई नजर आएगी। रोहित शर्मा वनडे की तरह ही T20 सीरीज में भी वेस्टइंडीज को पटकनी देने के इरादे से मैदान पर उतरना चाहेंगे। ऐसे में पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा अपने सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 उतार सकते हैं। आपको बता दें कि पहला T20 मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाना है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पहले T20 मुकाबले के लिए कैसी है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, हर्षदीप सिंह और रवि बिश्नोई। तो दोस्तों, ये है वो 11 खिलाड़ी जो वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।